से, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, वो है बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से जुड़ी हुई, जिन्होंने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने मीडिया के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, कहा कि उनके दलित वाले बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। कल मांझी ने अंतरजातीय विवाह करके दलितों की जनसंख्या बढ़ाने की बात कही थी और आज इस बात से नाराज थे। इस खबर को मीडिया पर जब दिखाया गया तब जीतन राम मांझी ने मीडिया को अपशब्द कहे। जीतन राम मांझी जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनके बयान सुर्खियों में रहे हैं। कई बयान जिन्होंने की सुर्खियां बटोरी, जिसमें कि सबसे पहला बयान था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, यानी कि उनका मुख्यमंत्री बन जाना ठीक ही है। उसके बाद दलितों की आबादी कैसे बढ़ाई जाए, दलित अगर 22% हो जाएंगे तो फिर उनको कोई नहीं हटा सकता है, इसके लिए दलितों से आह्वान किया गया कि वह अंतर जातीय विवाह करने पर जोर दें। अब उसमें दूसरे पार्टी लोग कहते हैं कि जीतन मांझी रिजाइन करे, तो क्यों ऐसी बात है, क्यों ऐसी पत्रकारिता होती है, किस प्रकार की बात, ये दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा कोई रहता था केस मुकदमा भी कर सकता था, लेकिन मैं केस नहीं करूंगा। हम लोग तो मार खाने के लिए सहे हुए हैं, कोई एक लात लगा देता उधर एक लात, तो हम समझते हैं कि यहाँ के मीडिया लोग भी हमको लात लगा देता। राय को सुनवाते हैं। दरअसल जीतन राम मांझी ने क्या कहा था जिस पर वो आज इतना भड़क गए। परामर्श देना चाहेंगे कि कम से कम शेड्यूल कास्ट के बच्चों को अंतर जातीय विवाह को प्रमोट करना चाहिए, और यदि हम एक हो गए तो हमारी जनसंख्या 22% की हो जाएगी। अब 22% जो वोट मिला बिहार में सरकार उसी की बनेगी, किसी की। अब इसको ये लोग उचक्के लोग किस प्रकार से कह दिए कि कहीं की जनसंख्या बढ़ाने की बात है, और उसमें दूसरे पार्टी लोग कहते हैं कि जीतन मांझी रिजाइन करे, तो क्यों ऐसी बात है, क्यों ऐसी पत्रकारिता होती है, किस प्रकार की बात, ये दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा कोई रहता था केस मुकदमा भी कर सकता था, लेकिन मैं केस नहीं करूंगा। हम लोग तो मार खाने के लिए सहे हुए हैं, कोई एक लात लगा देता उधर एक लात, तो हम समझते हैं कि यहाँ के मीडिया लोग भी हमको लात लगा देता है।